मूवी के स्टार्टिंग में लली नाम की एक लड़की हमें बताती है कि वो जैसा चाहती है सब कुछ ठीक वैसा ही चल रहा है। वो अपनी लाइफ में खुश है क्योंकि जब वो छोटी बच्ची थी तो उसका सपना डॉक्टर बनना था, जबकि लोगों को उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। लेकिन लिली ने सबको गलत साबित कर दिया क्योंकि कल से उसका मेडिकल कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। और वो बताती है कि वो लकी है क्योंकि इन दिनों वो सुपर हंक डियागो को डेट कर रही है। डियागो भी एक मेडिकल स्टूडेंट है। लिली एक एम्बिशियस एंड हार्ड वर्किंग गर्ल है। उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है तो वो अपने बॉयफ्रेंड डियागो के साथ में एक क्लब में सेलिब्रेट करने आई है। दोनों ही साथ में बहुत ही ज्यादा हैप्पी और एक्साइटेड है। दोनों ही आगे चल करके सक्सेस सर्जन बनना चाहते हैं, पर बातों बातों में डियागो ने लिली से कहा कि वो मेडिकल लाइन छोड़ना चाहता है, पर लिली डियागो की बात इग्नोर कर कुछ और ही बोलती है। डियागो वापस से उसे कहने की कोशिश करता है, पर वो उसे डांस फ्लोर पर डांस के लिए लेकर के चली गई। वहाँ क्लब पर लिली की स्कूल फ्रेंड बेनेसा भी आई हुई थी। वो दोनों बातें कर रही थी कि तभी लिली डियागो को पाउला के साथ में बातें करते देखती है। पाउला सीनियर डॉक्टर के साथ में उनकी टीचर भी है। अब डियागो वापस लिली के पास आया तो उसने उसे पाउला के बारे में पूछा। डियागो ने कहा वो एक अच्छी डॉक्टर के साथ में एक अच्छी पर्सन भी है और वो लिली को सेल्फिश कहता है। ये सुनकर के लिली को जेलस फील हुआ, उसे अच्छा नहीं लगा और अब वो डिनर करते हैं। दोनों के बीच में छोटा सा आर्गुमेंट भी हुआ। तो अब लिली ने प्लाउंस ऑर्डर किए जिससे डियागो को एलर्जी थी। डियागो उन्हें खाते ही बेहोश हो गया। लिली उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। उसने डियागो से कहा तुमको अगर प्लाउंस से एलर्जी थी तो बताना था, पर डियागो का कहना है कि उसने उसे सब बताया है। मतलब कि लिली बस खुद को ही वैल्यू देती है हर जगह और हमेशा के जैसे टॉपिक चेंज कर कहती है कि उनके रिलेशनशिप को एक साल होने वाला है, मीन्स वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का बोलती है। पर डियागो ने कहा कि अब वो और साथ में नहीं रह सकती। नेक्स्ट डे लिली को कॉलेज में दिखाया जाता है। आज उसका कॉलेज में फर्स्ट डे है। कॉलेज में डियागो को पाउला से बात करते हुए वो देखती है तो वो जेलस फील करती है क्योंकि उसे लगा कि उसका ब्रेकअप पाउला की वजह से हुआ है। मतलब कि रात को डियागो ने उसे ब्रेकअप कर लिया था तो वो उसे जेलस फील होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। वो डियागो से बात करने गई पर कुछ भी वर्क नहीं किया क्योंकि डियागो ने अपना पूरा मन बना लिया था उसे छोड़ने का। नेक्स्ट सीन में पाउला को स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए दिखाया जाता है। वो सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि अगर वो एक गुड सर्जन बनना चाहती है तो फर्स्ट उन्हें अपने पेशेंट की बात अच्छे से सुननी होगी। उस दौरान लिली ने नोटिस किया कि पाउला डियागो पर स्पेशल फोकस कर रही है। अब लिली ने देखा एक पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है और पाउला पढ़ाने में बिजी है तो वो खुद ही उसे इंजेक्शन देने लगी, पर पाउला ने उसे देख लिया और सभी के सामने उसने उसको डांटा क्योंकि वो इंजेक्शन जो उसे इंजेक्ट कर रही थी उसे उस पेशेंट को एलर्जी थी। नेक्स्ट सीन में हमें एक ऑस्कर नाम के पेशेंट को दिखाया जाता है जिसे अभी अभी स्ट्रोक आया था। पाउला डियागो और लिली को उसका MRI करने का बोलती है। वापस से दोनों के बीच में झगड़ा होता है, पर उस दौरान भी सब गड़बड़ हो गया। MRI मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाती है। टेक्नीशियन हेल्प लाने जाता है और उन्हें बाहर ही वेट करने का बोलता है, पर लिली ने देखा ऑस्कर को मूव करते तो वो उसे बचाने गई, पर उसे टच करते ही उसे बिजली का झटका लगा और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद की परवाह किए बिना वेनेसा से डियागो का पूछा तो देखा पाउला उसकी देखभाल कर रही है। और इस समय लिली नोटिस करती है कि वो वेनेसा के मन को पढ़ पा रही थी। मतलब कि अगर वो किसी को टच करती है तो वो उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है उसे सब पता चल जाएगा। इस बात से परेशान होकर के लिली हॉस्पिटल से भाग जाती है। जब वो रास्ते में होती है तो वो जिस किसी को टच करती उसे उसके मन की बात पता चल रही थी। इस सबसे परेशान होकर के लिली चाइल्डहुड फ्रेंड जुलिस के पास आई जो कि एक वॉलीबॉल प्लेयर है, पर वो भी पैर पर चोट का बहाना कर आके खेलने से मना करता है। लिली उसको टच कर सब समझ जाती है कि वो जो भी बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है और अपना दुखड़ा सुनाते हुए उसके गले लग जाती है। दोनों लिली के घर पहुंचे। जब लिली जब घर पर आई तो उसकी माँ उसके लिए वरीड है। उसे डर है कि वो कहीं अकेली ना रह जाए। तो जब वो जूलिया के साथ अकेली थी तो उसने कहा तुम दोनों एक दूसरे को डेट क्यों नहीं करते, तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो। पर जूलिया ने कहा कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं और उठकर के लुली के पास चला गया। और जब उसने लुली का हाथ पकड़ा तो उसने कहा तुम गे हो। ये सुनकर के जूलिया चौंक जाता है कि उसे उसके बारे में ये सब कैसे पता चला। लुली ने उसे बताया कि वो कैसे लोगों के मन को पढ़ सकती है। अब दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि वो दोनों एक दूसरे की बात को सीक्रेट रखेंगे। तभी वहाँ पर वेनेसा आ गई। वो उन दोनों को साथ देख लेती है और गलत समझती है तो अब लुली उसे सब सच बता देती है। वेनेसा उसे इस स्किल का यूज
खुद के लिए करने का बोलती है ये पता लगाने के लिए वो इसका यूज कर सकती है कि डियोगो उसके बारे में क्या सोचता है, कि क्या वो उसे प्यार करता है या फिर पावला को, और उसके और पावला के बीच में क्या रिलेशन है। लूली के दिमाग के बत्ती जल के और नेक्स्ट डे कॉलेज में जब वो डियोगो से बात करते हुए उसका मन पढ़ने की कोशिश करती है और उसे कुछ भी पता नहीं चलता, इवन वो उसे किस करता है और उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था मानो सब कुछ नॉर्मल हो, उनके बीच में कभी कोई ब्रेकअप ना हुआ हो। पावला ने लूली को बताया कि डियोगो की वन डे की मेमोरी चली गई है, मींस इरेज हो गई है, मतलब उसे रात के उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ये लूली के लिए प्लस पॉइंट था। बातों बातों में वो पावला को टच कर उसके मन को पढ़ती है तो उसे पता चला कि वो डियोगो को एज अ सन ट्रीट करती है, मतलब कि पावला और डियोगो के बीच में भी ऐसा वैसा कुछ नहीं था जैसा वो सोच रही थी। लूली बहुत खुश थी तो वो वेनेसा के साथ में ये सब शेयर करती है और अब लूली अपनी स्टडी पर फ्रीली फोकस कर सकती है और इस स्किल का यूज कर सकती है। इससे किसी की भी जान बच सकती है और लूली ऐसा ही करती है क्योंकि मोस्टली पेशेंट डॉक्टर से सब कुछ छिपाते हैं या झूठ बोलते हैं, और लूली अपने इस स्किल का यूज कर पेशेंट की असली प्रॉब्लम के बारे में भी पता कर लेती है। और अब पावला भी अदर स्टूडेंट्स को लूली का एग्जांपल देने लगी थी कि वो जितना मन लगा करके स्टडी करती है वो एक दिन जरूर सक्सेस सर्जन बनेगी, मतलब कि उसने पावला को भी इम्प्रेस कर दिया था, मतलब कि अब वो बचपन का सपना जो वो सोचती थी वो पूरा होने जा रहा था। पर लूली इस सब से भी खुश नहीं थी, उसके मन में कुछ तो था। वो ये बात वेनेसा से शेयर करती है कि वो ये जो सब कर रही है उसे ठीक नहीं लगता, तो वेनेसा उसे जिप्सी नाम की पाम रीडर के पास लेकर के आई, पर इस जगह भी लूली उस पाम रीडर का खुलासा कर देती है कि वो कोई पाम रीडर नहीं, वो बस लोगों के पैसे लूटती है, उन्हें ठगती है। अब पाम रीडर उसे ऑफर देती है कि हम दोनों मिलकर के तुम्हारी इस स्किल का यूज कर ये सारा पैसा बना सकते हैं, लेकिन लूली इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। रात को दिखाया जाता है सब पार्टी मचाते हैं, वेनेसा ने देखा उसका अपना क्रश रिकॉर्डो पर वो किसी एलिना नाम की लड़की के साथ में बैठा बातें कर रहा था, पर जब वेनेसा वहाँ गई तो एलिना उठ करके चली गई, तभी जूलियो वहाँ आ गया। जूलियो रिकॉर्डो की तरफ अट्रैक्ट होता है पर वो श्योर नहीं कि वो के है। वही लूली डियोगो दोनों काफी खुश थे, लूली का रास्ता अभी भी झूठ पर टिका हुआ था, डियोगो उसे घर ले आया, दोनों इंटीमेट हुए, पर मॉर्निंग को उसके फादर ने उन दोनों को एक साथ बेड पर देख लिया। इसके बाद में डियोगो के कैरियर को लेकर के फादर सन के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट होने लगा और उसके फादर गुस्से में वहां से चले गए क्योंकि डियोगो खुद कुछ करना चाहता था ना कि फादर के दम पर। नेक्स्ट डे वेनेसा रिकॉर्डो लूली तीनों साथ में थे पर वेनेसा का ध्यान फुल टाइम रिकॉर्डो पर ही था। तभी डियोगो वहां आया, डियोगो ने आका के बताया ऑस्कर की तबीयत बिगड़ रही है। लूली ने जाकर के चेक किया तो पता चला उसने काफी दिनों से दवा नहीं लिया जो कि ये सबसे वो छुपा करके रखा था क्योंकि सालों से उसके बेटे ने उसे बात तक नहीं की थी, इसीलिए वो खुद को पनिश कर रहा था और इस सबसे उसकी जान भी जा सकती है। पावलो ने कहा कि ऑस्कर की ड्रेनेज सर्जरी होनी है और अगर टाइम से नहीं हुई तो उससे उसकी जान भी जा सकती है, जिसके लिए उसकी फैमिली का कोई मेंबर होना कंपलसरी है। अब डियोगो लूली ऑस्कर के बेटे सीजर से मिलने पहुंचती है। सीजर की बातें सुनने के बाद में डियोगो को भी इस बात का एहसास होता है कि भले ही उसके फादर उसे डांटते हैं, अनदेखा करते हैं, पर इस सब का मतलब ये नहीं कि वो उसे प्यार नहीं करते, और आज उसे अपने फादर के प्यार का एहसास हुआ कि वो उसे कितना प्यार करते हैं और अब वो दोनों उसे किसी तरह रेडी कर लेते हैं। अब ऑस्कर की सर्जरी भी सक्सेसफुल हो जाती है। अब रात को जब सब जूलियो का मैच देखने गए और वेनेसा को पता चला कि इसका क्रश भी जूलियो के जैसा है, नेक्स्ट डे जब लूली डियोगो ऑस्कर से मिलने गए तो डियोगो को सब याद आ जाता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। वो लूली पर गुस्सा करता है और बेहोश होकर के गिर जाता है। लूली हेल्प बुलाती है और पावला को उसकी बीमारी के बारे में बताती है जो सिर्फ लूली ही जानती थी, तो उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया गया। पर डियोगो लूली का हाथ पकड़ लेता है, तभी पावला डियोगो को शॉक देती है तो वो शॉक लूली को भी लगा और वो गिर गई। अब उसे डियोगो की फिक्र थी, तभी वेनेसा उसके पास आकर के उसे समझाती है कि सब ठीक होगा और ऐसा ही हुआ। अब डियोगो से मिलने उसके फादर भी आए पर उसे यकीन नहीं होता। फादर ने कहा तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पावला ने बताया अगर आज लूली ना होती तो उसे बचाना मुश्किल था क्योंकि उसकी डिटेल्स उसे ही पता थी। डियोगो भी सब भूल करके लूली को एक्सेप्ट करता है, उसे किस करता है। आफ्टर 2 इयर्स दिखाया जाता है सभी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, डियोगो भी एक सक्सेसफुल सर्जन बन चुका है। लूली और डियोगो दोनों अपनी अपनी लाइफ में एक साथ में खुश है, दोनों साथ में है। वही लूली एज अ फिजिशियन
लाइफ को स्पेंड कर रही है। और इस जगह हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।